टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिमंडी से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां 3 लोगों ने एक व्यापारी के साथ मारपीट की है। लोहे के राड से इस व्यापारी की पिटाई की है। भिमंडी के खाड़ी पार में कारखाना चलाने वाले आमिर फयाज खान को अचानक बाइक से आए 3 युवकों ने लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट के दौरान आमिर का एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से आमिर फयाज खान की पिटाई की जा रही है। इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए भी आगे आए, मगर ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग बीच बचाव करने के लिए आए थे उन पर भी ये लोग मारपीट शुरू कर दिए, जिसके बाद भीड़ यहाँ पर काफ़ी बढ़ती चली गई और भीड़ बढ़ने की वजह से ये तीनों युवक वहाँ से भागने में कामयाब रहे। घायल अवस्था में आमिर को अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में भिवंडी की निजामपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। इस घटना के बाद व्यापारियों में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है और इस घटना से ये भी अंदेशा व्यापारियों में लगाया जा रहा है कि हो सके डर का माहौल पैदा करके व्यापारियों से हफ्ता उगाही ना की जाए। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच भिवंडी पुलिस कर रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।